यहाँ पे मैं बना रही पेटी की सब्जी, पेट आया कद्दू कुछ भी बोलो। इनका सुन रही हूँ मैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ना बॉईल होने रख दी है, बस थोड़ी देर होने दूंगी जब उनका कलर चेंज हो जाए। और इसमें देखो हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत देर पहले, तो आज मैं सारा काम निपटा के बैठी हूँ, नहा भी ली हूँ, किचन का भी काम निपटवा दिया है, और अब मैं बैठी हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स, अनार खाने और एक चम्मच च्यवनप्राश। ये मैंने पूरी सर्दियों का टारगेट बनाया कि अब डेली एक चम्मच तो लेना ही लेना है मेरे को। गाइस आप लोग भी ट्राई करना, सच में यार काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये चीज़, मतलब जो भी इम्यूनिटी है ना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट ही करता है ऑल टुगेदर। तो डेली एक चम्मच ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और व्लॉग में तो आप लोग बने हुए हो तो बने रहो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेठी की सब्ज़ी, पेट आया कद्दू कुछ भी बोल लो, तो उसकी सब्ज़ी बन गई। मैं अभी वेदर देख लो, ये चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी, पता नहीं कौन सी वेदर है ये, वेदर नहीं पॉल्यूशन। तो अभी काम तो सारा डन हो चुका है और मैं बैठी हुई हूँ, मतलब बैठी हुई थी रूम में, मैं देख रही थी पॉडकास्ट देख रही थी मैं रियल हिट का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो यार मतलब बड़ा अच्छा बताते हैं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है सच में एस्ट्रोलॉजी में ना। आप लोग बताना आप लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं। मैं मतलब मेरा यह है कि मैं मानती हूँ, मैं मेरी फैमिली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि भाई रियलिस्टिक चीज़ें हैं सच में। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई इन्हें देख के ऐसा लगता है अब हाँ ये भी था, ये भी ऐसे हो गया ऐसे भी। तो ऐसी बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, बट ज़्यादातर लोग ना उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। बट ये चीज़ सच है भाई, एस्ट्रोलॉजी ट्रू है, ट्रू साइंस है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनका सुन रही हूँ मैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आप लोग भी देखना। मुझे बड़ा मज़ा आता है एस्ट्रोलॉजी सुनने में, मज़ा आता है पास्ट लाइफ के बारे में जानने में, ठीक है, पाम हिस्ट्री और मतलब ये लकीरें वकीरें जो भी होती हैं, मज़ा आता है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगता है। तो भी मैंने तो तान लिया दोबारा शॉल, क्योंकि सही में ठंड लग रही है, और पापा लेके आ गए हैं सारी की सब्जियाँ, तो इन्हें जमा देती हूँ, और ये जितने बर्तन हैं इन्हें जमा देती हूँ, फिर मम्मी पापा को खाना खिलाऊँगी और फिर खाऊँगी खुद। आज लेट भी हो गए कुछ यार, आज ठंड लग रही है सच में बहुत ज़्यादा, हाथ देखो एकदम वाइट हुए पड़े हैं, सुन हुई पड़ी है बॉडी पूरी। बात तो सही है। बर्तन बर्तन तो जमाते हैं, पूरा टोकरा खाली कर दिया मैंने, बस ये तीन चम्मच रह गई थी, और अभी मैं करूँगी सब्जियाँ जो जो फ्रिज में रखनी है, जो जो बाहर रखनी है, कि अब सब्जी आ गई है। फ्रूट्स तो भारी रखने हैं सारे, देख लो फ्रूट्स तो भारी हैं, क्योंकि भाई ठंड आ गई है, फ्रिज में रखने से नुकसान होएगा बॉडी को। अब पानी भी नॉर्मल है, आप गुनगुना पियो, ठंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे पापा लेके आए इतनी सारी हरी मिर्च और हरा धनिया, क्योंकि आधी हरी मिर्च तो सब्जी में यूज आएगी और बाकी का डलेगा शिरका, डलेगा आई मीन शिरके में डलेंगे ये बॉयल होके। मेरे को आपको एक टिप बतानी थी, जितना हो सके ना आप हरा धनिया खाओ सर्दियों में, क्योंकि हरा धनिया कहते हैं बॉडी डिटॉक्स के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब हरा धनिया ना आप किसी भी चीज़ में यूज़ करो, जैसे सब्जी बन रही है इसमें थोड़ा सा काट के डाल लो, हरे धनिया की चटनी ले लो, छाछ में डाल लो, कई कई मतलब टाइप्स हैं जिसमें हरा धनिया हमारा यूज़ आता है। तो ट्राई करके देखना सच में, बॉडी के लिए डिटॉक्स के लिए आई मीन बॉडी डिटॉक्स के लिए ना बहुत अच्छा है हरा धनिया। एंड इवन बाबा रामदेव भी बताते हैं इस चीज़ को, और आप लोग ट्राई करके देखना, छोटी सी टिप थी। समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ना बॉईल होने रख दी है, बस थोड़ी देर होने दूंगी जब उनका कलर चेंज हो जाएगा, और इसमें देखना कितना प्यारा कलर आ रहा है, कितना अच्छा ग्रीन आ रहा है। तो जब ये बॉईल हो जाएंगी इन्हें फिर थोड़ी देर सुखा देंगे, मतलब इन्हें हवा लगानी होती है धूप में, और फिर शाम को मम्मी इनकी जो डंठल होती है वो निकाल के शिरका में डाल देंगी। सिंपल हो गई शिरका वाली मिर्च, यार बहुत टेस्टी लगती है कड़ी के साथ, साग के साथ, सब चीज़ों के साथ। तो भी आप उन्हें लगा दी पापा की प्लेट, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और शिरका और चाय। अब मैं जा रही हूँ देने। अभी सारा काम वाम निपटा के मैं बैठी हूँ मम्मी के पास,
आज मम्मी देखो हनुमान बाबा बनी हुई है, केसरी कलर पहन रखा है। और आज मंगलवार भी तो है, इसलिए पहना था। मम्मी हनुमान बाबा बनी पड़ी है आज। तुमने राम राम जी तो करी ही नहीं। राम राम जी। चलो बाय। अब टाइम आ गया है मम्मी फिर मेरी तरह देख रही है, थोड़ी देर लेटने का। ना तो जब मैं लेटने का नाम बोलती हूँ मम्मी मेरी तरफ ऐसे देखती है कि बस मेरा लास्ट मोमेंट है वो इस पृथ्वी पर। थक गई मम्मी, हमारी बॉडी थोड़ा आराम मांगती है, थोड़ा सा। फिर आज बनाओगी ना साग? बनाओगी साग शाम को? भाई आज हमारे बनेगा साग दोबारा, अब भर जाड़े हमारे साग ही बनेगा, है ना? आप लोग भी बताना कमेंट्स में किस किस के भाई साग ही साग, साग ही साग बनता है, मतलब डेली तो नहीं हर दूसरे तीसरे दिन छोड़ के ऐसे, है ना? सही पकड़े हैं। चैटक मेरे साथ सो रहा है। यस करते हाँ, बोलते गुड नाइट। गुड नाइट। गुड भाई, सो के तो उठ गए हम लोग। मेरी मम्मी देखना कैसी चुटिया खड़ी है, देखना। तो हम बनाएंगे आज साग, शाम को बनने वाला है साग। ये देखो ताम झाम लेके बैठे हुए हैं मैं और मम्मी। मम्मी साफ कर रही है, मैं साथ साथ काट रही हूँ। यस मम्मी, मक्के की रोटी बनेगी बाजरे की? जाके तुम बनाओ। तुम बनाओ, तुम बनाओ, हम पे का आवे है, तुम बनाओ। सीखो, मैं को नहीं 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 सदा रहूंगी मैं, आज हूँ कल ना। जो स्वाद की बात है वो होती है ना मम्मी, स्वाद तुम्हारे हाथ से आता है ना। ना ना स्वाद की कोई बात मम्मी ही बनाएगी बाजरे की रोटी, लोनी गई और काय काय पालक बथुआ मेथी और सरसों, सरसों भी है ना, मिक्स मिक्स बना रहे हैं मिक्स साग। माय गॉड, यहाँ पे मैंने साग अच्छे से धो के कुकर में चढ़ा दिया और अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और आधा ग्लास पानी और मैं चढ़ा दूंगी और मैं इसे भी चढ़ा दूंगी गैस पे। ये पीला पीला ये दिख रहा है आपको, ये फल सा, ये सब्जी, आज हमारी ये सब्जी भी बनेगी, बहुत टेस्टी लगेगी ये। अभी नमक तो डाल दिया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक ग्लास पानी, बस एक ग्लास, ज्यादा नहीं। और मम्मी ने हरा धनिया भी छील दिया। ये रहे हमारे आज हनुमान बाबा। ओ हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, देखो हनुमान जी कितना सुंदर बनाया दिया। वेरी नाइस शेव, वेरी नाइस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इधर आना सर, इधर आओ। औलाद की कलाकारी देखी है तुमने? मतलब घुमा फिरा के ताना जरूर देना, बताओ। दिया उसने बनाया, डांट मेरी लगी, हद है चाहिए। हाँ और क्या बोलती है, बनाया तूने, डांट मेरी लगी। अब मैं इसका बदला लेके रहूंगी चेरी से और मम्मी से, देखना आप देखना, मैं लूंगी किसी ना किसी तरीके से। अच्छा बनाया दिया, नाइस चेरी, नाइस। You did a good job, my girl, my booty beautiful girl. You did a nice job. अच्छा है भी, आप लोग बताना। ये दिया करा, ये हम उस पर लगाएंगे रंगोली पे, ठीक है? ऐसे सूखने रख दे, जिस दिन वो रंगोली बनाएंगे ना दिवाली वाले दिन। तो इन दोनों के साथ मैं बना रही हूँ रील, मेरा हाल देख लो क्या कर दिया उन्होंने। देखो देखो देखो, करो 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 करो, ही मेरे घर वाले जैसे, खुद ही बताना ही ईमानदारी से। देखो देखो मम्मी लग रही है मिस्टर बीन ऐसा करके, और मेरा नहीं, मैं क्या उलिया बनाया है मम्मी ने। मैं कह रही हूँ अपने बाल बाल ठीक। हाँ तू और अच्छा दिखा, और अच्छा दिखा,
बन जा खाली माँ। दे मैं कान पे मार दूं फिर तेरे। दे मेरा हेमन। यार मेरे ना होठ मतलब सर्दियाँ जैसे शुरू हो रही है ना, देखो कितने चाप चाप हो रखे हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी बोरोलिन, क्योंकि बहुत चीजें यूज करके देख ली कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरे पास यही ऑप्शन है, देखते हैं इससे क्या फायदा होता है क्या नहीं। क्या कर रही है? होटो पे कौन लगाता है एलोवेरा? छाले पड़ रहा होगा फिर एकदम तुरंत फायदा हो जाए, खून निकल रहा हो, लगा ले। लगा ले जो मसाज से करते है ना, मुंह भी तो और सुंदर बना। मेरे जादू कमाल देखे तो दिल बताई हुई दवाई। कई मास्क लगा के घूम रही है तो ये करोना नहीं हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा है करोना की। ताती ताती चाची हट जा। अपनी सेफ्टी वो अपने आप करें। Here are my chappals. चलो इनको फैन के हम चलती है। हट जा, मम्मी देख रही है। हट जाना चाह रही, लड़ाई हो जाएगी देख। डिजम कर दूंगी मैं जैसे पुरानी मूवीज में कर। कमाइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शायरी मुझे मार रही है, देख 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 कैसे कर रही है, देख कि उसकी पिटाई कर दे। मेरे गलती से भी लग गई, वो तो भाग गया। अगर तूने मेरे मार दी गलती से भी तो तू देख लियो। ये बच्चे नहीं है। पानी पी के आ जा। रुक जा, तेरा भूत उतारू। रुक क्यों, डराएगी किशु को? रुक जा, तू मेरे पास आ, इसका भूत उतारेंगे हम। आ जा भूत की बच्ची। अरे तेरे को हम की जो मार दे इसको, ये उतर के। मम्मी फोकस कर रहे हैं सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे स्वाद तो है पर दर्द भी है, देख लो हाथ। इतना पेस्ट बन पाया है ये जो साग में डलेगा। और बाकी मम्मी घोट रही है, मम्मी की हेल्प कराती हूँ घोटने में। ये घोट रही है मम्मी साग। आज भी मैंने मम्मी के साथ एक वीडियो बनाई है, ये मैंने ना क्रीम लगाई है होठों पे, मलिंगा लग रही है ना, मलिंगा क्रिकेट की मलिंगा। बट क्या करूँ होठों में भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो हाँ मैं वीडियो की बात कर रही थी, तो मम्मी के साथ आज भी एक फनी वीडियो बनाई है, ठीक है? तो प्लीज़ गाइज वो देखना, आप लोग इंस्टा पे देखना, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, ठीक है? भाटी राजी करके हैंडल नेम है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी एंड वीडियो के एंड में भी आपको पता चल जाएगा। फेसबुक पे भी देखो और यूट्यूब पे तो प्लीज़ देखो ही देखो, ठीक है गाइस? प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखो, तब भी मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में भी और आप लोगों को देखने में भी, ठीक है? आज की फ़नी वीडियो तो देखना प्लीज़, कमेंट्स में बताना कैसी लगी, ठीक है? तीनों प्लेटफॉर्म्स में देख के बताना कैसी लगी। मम्मी कर रही है बाकी प्रिपरेशन भाई, साग घोट के रख दिया है मम्मी ने, थोड़ी सी मैंने भी हेल्प कराई बिकॉज आई एम अ गुड गर्ल। ओ मम्मी ये तो उछल रहा है। अच्छा ये देखो कितने मजे से देखा जा रहा है टीवी, पैर ऊपर करके। कुछ भी बोलो मजा, वैसे मतलब देसी तरीके से ये बनाने में टाइम बहुत लगता है, मेहनत भी लगती है, पर मजा भी आता है, स्वाद भी आता है। अब उसी में फायदा यार, अब बिना स्वाद के कुछ खा रहे हो क्या फायदा? अब देखो कितने मजे से बनाया साग सही तरीके से। और अब इसके साथ बनेगी बाजरे की रोटी और मक्के की भी बनाओ मम्मी। चलो भाई मैं तो एक मक्की की खा लूंगी, एक बाजरे की। लो छोटा मम्मी अक्री है क्या?
कि भाई बंद तो जाएगी। अब उसके बाद जो मम्मी की तबियत हो जाती है, क्योंकि यार मम्मी से नहीं कराते हैं बिल्कुल भी, सच में जो सच बात है, मम्मी की हेल्थ इतनी ठीक नहीं है, इतनी क्या ठीक ही नहीं है। अब इतनी कर ली है, अब इनके हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा अच्छा खासा। तो छोड़ो ऐसी बना ले रहे हैं रोटी, रहने दो। देखो ये मानती भी नहीं है, अगर इनके दर्द भी होएगा। मदर्स लव, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। मम्मी हाँ, मेरी मम्मी सच में बहुत क्यूट है, पता है। मम्मी से बोलो कुछ जवाब पूछ लेती है। बात तो सही है। तो वे मम्मी लगा रहे हैं बाजरे का, फिर लगाएंगी मक्के का, है ना। आज तो खाना खाने में हो जाएगा नंद के आनंद भय हो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल ही हो जाएंगे रात को। तो यहाँ बन रही है भाई बाजरे की, यहाँ पे भाई तैयारी हो चुकी है। हरी मिर्च छिलका मतलब मूली वाला, साग हो ही रहा है, और रोटी खाने के लिए। मम्मी फिर हंस रही है, मेरी तरह देखो, फिर हंस रही है मम्मी। मम्मी आज तुम करने वाली हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि मम्मी इस चीज़ को ले इसलिए कह रही है क्योंकि बंद हो रही है रोटी। अब फिर जो मम्मी के दर्द उठने वाला है ना, I'm going to handle that। अच्छा। मैं यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, मम्मी बना रही है और मैं रही हूँ सेक धीरे धीरे। ये क्योंकि धीमी आंच पे ही बनती है ना अच्छी, क्योंकि पकनी होती है ना अच्छे से। चारों गैस घिरे पड़े चारों। मम्मी गरम गरम बना रही है और मैं सेक रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लगा दी है चादर नीचे बैठने के लिए। आज सब नीचे बैठ के खाएंगे, मतलब खाते तो सब नीचे बैठे हैं, पर मतलब किचन के बाहर एकदम गरम गरम मज़ा आता है। दरी बिछा दी है और यहाँ पे अभी मम्मी बना ही रही है। अब मम्मी बना रही है मक्के की, ये बाजरे की लास्ट थी, अब मक्के की। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है भैया के लिए, कितनी मस्त लग रही है देसी खाना। चेरी दिखा रही है अपना स्टडी टेबल, ये चेरी का स्टडी टेबल। वो भी खाना वाना खा लिया है, मम्मी और मैंने एक साथ दिखाया था खाना। मेरी होंट की हालत ना बेकार होती जा रही है, देखो स्किन दिख रही होगी आपको, और फटता जा रहा बुरा वाला। तो भाई ऐसा डिनर डेली मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्या डेली तो इतना झेलेगा नहीं, हफ्ते में मिलता है तो मतलब पूरा हफ्ता मेरा अच्छा हो जाता, मेरा क्या सबका ही। और सब लोगों ने आराम से बैठ के खाया, एक साथ खाया। वो वाली लाइन याद आ गई जो मूवी नहीं थी हम साथ साथ वाली, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर समथिंग लाइक, ऐसा ही था कुछ राय में, एग्जैक्ट मेरे को याद आ नहीं रहा। तो अब वॉक कर रही हूँ, मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, वो लोग कोई मूवी वूवी देख रहे हैं, बच्चे और भैया भाभी वो लोग नीचे गए हैं वॉक करने। और एक और अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है भैया, मतलब ये सारा खाने के बाद ना फिर एक और टेस्टी चीज़ तो दिखा दूँ भाई, दिखा दूँ। टन टन, वियर्ड सा लग रहा होगा लेकिन ये है भाई चूरमा, मक्के की रोटी और बाजरे का चूरमा, खूब सारा गुड़ और खूब सारा घी डाल के। हमारे यहाँ तो मलिदा कहते हैं, हरियाणा साइड कहते तो जैसे चूरमा बाकी साइड भी। तो भाई अब दूध के साथ सब लोग लेंगे ये चूरमा, मजा आ गया आज तो सच में, बल्ले बल्ले हो गई। तो भाई चेरी ने घर में सबसे पहले दिवाली की तैयारी शुरू कर दी। चेरी भैया दो तीन दिनों से लगी पड़ी है दिया पेंट करने में, कुछ स्कूल्स की भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ उसका मन भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है, फेस्टिवल वाइब्स आनी चाहिए।
और ऐसे ही बच्चा क्रिएटिव बनता है। तो शहर इन्हें तो करती है भाई, ठीक है, तैयारियाँ शुरू फेस्टिवल्स की तो हमारे यहाँ भी हो चुकी है। तो आप लोग बताना कमेंट्स में आपके यहाँ पे शुरू हुई है या नहीं। हमारे यहाँ तो हो रही है भाई शुरू, सबसे पहले चेरी ने शुरू करी है। तो भाई सारा काम हम डन हो चुका है, सब लोग आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई चेरियों की शायद ड्राइंग कर रहे हैं, मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, भैया भाभी शायद टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपने रूम में आई हूँ क्योंकि मेरे को ब्लॉग एंड करना था, क्योंकि हर जगह शोर हो रखा है, ठीक है, टीवी भी चल रहा है, तो उस वजह से एक शांतिपूर्वक जगह चाहिए थी जो कि है मेरा रूम। तो मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और देखते देखते देख लो मेरे लिप्स की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, अब सुबह से इसमें से इतना ब्लड निकल रहा है, वो क्रीम लगा रखी है ना मैंने, इसलिए वाइट वेट आ रहा है, पता नहीं फिर पेन भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नहीं हो जाएगा ठीक, क्योंकि अब ऐसी बात है दो तीन दिन होता है अगर कुछ भी चोट वोट लग जाए, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो जाए तो वो अपना टाइम लेता ही है, दो तीन दिन ज़्यादा लेता ही है, कोई नहीं लेने दो। तो भाई आज खाना खा के तो मज़ा आ गया, ठीक है, टेस्टी था डिनर था और मज़ा भी इस बात में आया, सब लोगों ने एक साथ बैठ के खाया। हमारे यहाँ ना मतलब ज़्यादातर जैसे जब ये खाना होता है ना, जैसे साग वगैरह हो गई, ठीक है, मक्के की रोटी हो गई, ऐसे ये सब चीज़ें, तो मम्मी तो बनाती है तो हम सब नीचे से दरी बिछा के उस पर आराम से बैठ के खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई करना यार, मतलब बहुत मज़ा आता है, यही तो होते हैं यार फैमिली वैल्यूज़ वगैरह। बहुत बक बक कर लिया, आप लोग बोल रहे हो कि कच 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 कर लिया, तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, ठीक है गाइस, ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे और अपना प्यार बनाए रखिए, मैं भी अपना प्यार बनाए रखूँगी। और गाइस प्लीज़ मेरी ना क्या कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज़ रील्स सब कुछ आ रही है, ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस पर भी अपडेट रहो, यूट्यूब पर तो आप हो ही, इंस्टा पे भी रहो, फेसबुक पे भी रहो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी अपडेट्स मिलती रहती है मेरी आने वाली चीज़ों की, जैसे रील्स हो गई, कुछ कॉमेडी जोनर हो गया, कुछ भी, तो वहाँ पे भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो वहाँ पे नहीं देख रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो प्लीज़, ठीक है, यहाँ पे अपना प्यार दिखा रहे हो तो वहाँ पे भी अपना प्यार दिखा दो प्लीज़, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।